बीती शाम मुंबई में महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2023 अवार्ड्स हुए, जिसमें टीवी के नामचीन सितारे पहुंचे और सभी का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। चलिए एक नजर डालते हैं सभी की एक लुक पर। सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस चाहत खन्ना की, जो लाइट कलर की साड़ी पहनकर पहुंची, लेकिन वो अपने ब्लाउज को बार बार ठीक करते हुए दिखाई दी। चाहत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लाउज उन्होंने किसी और का पहना हो। साड़ी के साथ उन्होंने सिंपल हेयर बन बनाया था, कानों में झुमके पहने और साथ ही हाथों में कंगन वियर किए। टीवी एक्ट्रेस स्नेहा वाघ ने भी ब्लैक एंड गोल्डन साड़ी पहनी। साड़ी से ज्यादा उनका ब्लाउज चर्चा में रहा। शॉर्ट हेयर और नाक में नथ पहने वो काफी खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस युविका चौधरी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, जिसके साथ गले में नेकलेस कैरी किया। उनका ये लुक ठीक ठाक लग रहा था। बिग बॉस फेम श्रीजिता डे अपनी मम्मी के साथ अवार्ड लेने पहुंची। श्रीजिता ने इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी, लेकिन उनसे ज्यादा खूबसूरत उनकी मम्मी लग रही थी। एक्ट्रेस ईशा कोपिकर हमेशा की तरह सूट में ही नजर आईं, ऐसे में उनका स्टाइल कुछ खास नहीं लगा। एक्ट्रेस पद्मनी कोल्हापुरी भी साड़ी में दिखी। आपको इनमें से किसका स्टाइल पसंद आया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।